एक बहुत बड़ा आज विषय अपना भिवंडी शहर के लिए, क्योंकि विषय इसलिए बड़ा है कि यूपीएससी एमसी खाली ठाणे के अलावा किधर भी नहीं है इस साल, और जिसके लिए मेरे को स्टेट गवर्नमेंट ने रविंद्र चौहान अच्छा सपोर्ट दिया, और भिवंडी महापालिका के जूनियर इंजीनियर से लेके कमिश्नर तक इस सभी लोग ने बहुत अच्छा साथ दिया। भिवंडी मध्ये माननीय चंद्रशंकर शेट्टी यांच्या पुढाकाराने एमपीएससी यूपीएससी चं ट्रेनिंग सेंटर आणि त्याचबरोबर या इकडे माजी सैनिकांसाठी केंद्र असं उभारलं जात आहे, ज्याच्यामुळे निश्चितपणे या भागातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना चांगल्या पद्धतीचं एमपीएससी यूपीएससीचं ट्रेनिंग उपलब्ध होईल। एमपीएससी और यूपीएससी के लिए आकांक्षा बच्चों को और समाज मंदिर ऐसे दो अलग अलग प्रोजेक्ट हम यहाँ करने वाले हैं, और इसके लिए माननीय श्री रविंद्र चव्हाण साहब इनका भी बहुत हमको मदद मिली थी, तथा अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री अजय दादा पवार और उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और एक मंत्रिमंडल पूरा, इन्होंने हमको बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। और आज साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाच्या माध्यमाने जो समाजनिधी आहे त्याच्या अंतर्गत या इकडे भिवंडीमध्ये माननीय चंद्रशंकर शेट्टी यांच्या पुढाकाराने एमपीएससी यूपीएससीचं ट्रेनिंग सेंटर आणि त्याचबरोबर या इकडे माजी सैनिकांसाठी केंद्र असं उभारलं जात आहे, ज्याच्यामुळे निश्चितपणे या भागातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना चांगल्या पद्धतीचं एमपीएससी यूपीएससीचं ट्रेनिंग उपलब्ध होईल, त्याचबरोबर आपल्या भागातल्या मुलांचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनाने हा उपक्रम राबवलाय। मी या उपक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो। साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यहाँ इनके नाम के जो फंड है वो फंड्स हमको यहाँ मिले हैं, इसके लिए यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है माननीय श्री संतोष जी शेट्टी, उन्होंने बहुत कोशिश की, और हमारे जो सिटी इंजीनियर और जो सब टीम है कंसर्न टीम,
उन्होंने दिन रात एक करके ये फंड्स का जो आदेश है वो करके इसकी निविदा भी बनाई और आज हमको खुशी हो रही है कि हम यहाँ उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। एमपीएससी और यूपीएससी के लिए अभ्यासिका बच्चों को और समाज मंदिर ऐसे दो अलग अलग प्रोजेक्ट हम यहाँ करने वाले हैं और इसके लिए माननीय श्री रविंद्र चव्हाण साहब इनका भी बहुत हमको मदद मिली थी तथा अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री अजय दादा पवार और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और एक मंत्रिमंडल पूरा, इन्होंने हमको बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया और इसके कारण एक हम प्रोग्राम संपन्न कर सके। हमारे प्रोग्राम को जो हमारा आमंत्रण था उसको सम्मान देते हुए माननीय आमदार श्री निरंजन डावकरे साहब यहाँ चीफ गेस्ट करके पधारे तथा अपने यहाँ के भिवंडी के लोकप्रिय आमदार श्री महेश जी चौगुले भी उन्होंने अपना योगदान यहाँ दिया है और यहाँ के जो सम्मानीय सदस्य इस वार्ड के, इस चैनल के, इस पैनल के, ये सभी लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया और ये अच्छा प्रोग्राम संपन्न हुआ और मेरी आशा है कि इसके बाद आने वाले काल में भी इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम हम करेंगे, इससे भी अच्छी अच्छी योजना हम भिवंडी शहर के लिए लाएंगे। धन्यवाद। अन्ना क्या कहेंगे, जिस तरह से दिखा गया कि एक अच्छे कार्य की यहाँ पर आज शुरुआत हुई है, यूपीएससी एमपीएससी की जो है इमारत की भूमि पूजन किया गया, देखा जाए अचार संहिता भी महत्वपूर्ण दिनों में लग जाएगा, तो कब तक इसका काम शुरू होगा और देखा जाए तो काम कम्प्लीट होने की दिखा रहा है? बहुत बड़ा आज विषय अपना भिवंडी शहर के लिए, क्योंकि विषय इसलिए बड़ा है कि यूपीएससी एमपीएससी खाली ठाणे के अलावा किधर भी नहीं है इस साधन, और जिसके लिए मेरे को स्टेट गवर्नमेंट ने रविंद्र चव्हाण ने अच्छा सपोर्ट दिया और भिवंडी महापालिका के जूनियर इंजीनियर से लेके कमिश्नर तक इस सभी लोग ने बहुत अच्छा साथ दिया और हम लोग ने तय किया था कि जल्द से जल्द इसका भूमि पूजा होना चाहिए और आज उसका भूमि पूजा हुआ। क्योंकि ये कल्पना मुझे जब मेरी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जब मैं 15 साल बनाया तो उससे बहुत से बच्चे यूपीएससी पढ़ रहे उनको बहुत सी दिक्कतें थी वहाँ पढ़ने की, उनके लिए अलग से टाइम देना पड़ता था, तो उनमें से बहुत बच्चे आज यहाँ पे आए, इनके कहने के हिसाब से मैंने फाइल को मूवमेंट किया और आज उसका उद्घाटन हुआ और ये जब फाइल का मूवमेंट हो रहा था उस टाइम जो वॉरियर सैनिक का एक जो बहुत सा ग्रुप है इधर पे जिसमें कम से कम 40-45 सैनिक आज भिवंडी से अपने हर बॉर्डर में काम कर रहे और जिनके मार्गदर्शन ये वॉरियर के सभी माजी सैनिक देते उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पहले बात उनका भी एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने कहा गया हम लोग हर बार ये सब यहाँ के सैनिक तैयार कर रहे लेकिन हमको दिक्कत होती है जगह की, तो उस टाइम मैंने उनको वादा किया था आपको भी एक जो बिल्डिंग फंड है उसमें एक फ्लोर जो है वो आपके लिए मैं कोशिश करूँगा और सैनिक जो फंड है हमारे गवर्नमेंट का कलेक्टर के साहब के पास उसके लिए मैं हमारे कमिश्नर पूरी डिपार्टमेंट से जो बात किया बहुत फास्ट उन्होंने काम किया और कलेक्टर के पास जाके गवर्नमेंट के पास जाके वहाँ पर रविंद्र चव्हाण निरंजन डावकर का अच्छा सपोर्ट मिला और आज वो भी इस बिल्डिंग में उनके लिए भी जगह का जगह हो गया और 6 महीने में एक आधुनिक यूपीएससी और सैनिक के लिए जो बिल्डिंग बनेगा ये लोग देखने आएंगे। इतना कितना रहेगा यूपीएससी के बच्चे कितने मतलब भिवंडी शहर में जितने बच्चों को पढ़ने को संख्या रहेगी उन सबके लिए उतना जगह है इसमें और ये सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ जो बन रही है इसका हमारे भिवंडी के बच्चे लोग सही बहुत अच्छा साथ लेके सपोर्ट लेके क्योंकि ये सब चीज़ नहीं हुई हमारे भिवंडी के बच्चे बहुत कैपेबिलिटी है उनके बहुत उनके पास पढ़ने का तजुर्बा और बहुत हिम्मत है लेकिन ये थाने में आना जाना एक बस का रिक्शे का आना जाना ट्रैवलिंग का आना जाना ये चीज़ भिवंडी होने से हमारे बच्चे में डॉक्टर एमबीबीएस सैनिक ऐसे बड़े बड़े पद में आते कल को हमारे भिवंडी के बच्चे भी वो सभी समाज के बच्चे चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो मराठी मीडियम के हो उर्दू मीडियम के हो वो सभी बच्चों को यहाँ से यूपीएससी बन के जाएंगे कोई आई एस बनेगा कोई तहसीलदार बनेगा और हमारे भिवंडी का बहुत बड़ा गौरव की बात रहेगी। क्या कहेंगे जिस तरह से देखा गया आप लोगों के लिए खासकर यूपीएससी एमपीएससी के विद्यार्थी होने के नाते यहाँ पर जो आज इमारत की पहले तो मैं अन्ना का धन्यवाद कहता हूँ। हम लोग पुणे जब गए थे पुणे बुक लेने के जब मैं तैयारी चालू करने के पहले तो वहाँ पे जाके देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी लेकिन एक मैं मिडिल क्लास का लड़का वहाँ को वहाँ पे मेरे को पढ़ने के लिए इतना सोर्स नहीं है उतना खर्चा नहीं कर पाऊँगा उसके लिए मैं यहाँ पे आया पढ़ने के लिए अपने मार्कंडे वाचनालय में तो इधर इतना फैसिलिटी है तो हमको एक टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए तो एक बार मैं अन्ना को मिला कि अन्ना हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो अन्ना ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए टाइम बढ़ा के देता हूँ तो टाइम बढ़ा के दिया फिर अन्ना ने बोला कि तुम्हारे लिए अपन एक वाचनालय बना दे खास तुम्हारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि मेरे जैसे और मिडिल क्लास यहाँ पे आगे पढ़ेंगे
कहने लगे यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी जो है भिवंडी शहर में होने लगेगी, तो आपके जैसे कई विद्यार्थी जो इसका फायदा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल फायदा तो उठाएंगे, क्योंकि भिवंडी इतना बड़ा एरिया है, भिवंडी में ये मॉल भी नहीं है एमपीएससी और यूपीएससी का, और ये बिल्डिंग को देख के और बच्चे लोग आकर्षित होंगे। और देश में आप देखते हैं कि 21 साल में कोई आईएएस बनता है, और वही भिवंडी से अभी निकल के जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग को पता चलेगा कि ये बिल्डिंग यहाँ पे सिर्फ एमपीएससी यूपीएससी के लिए, टाइम मिलेगा वो पढ़ेंगे बच्चे लोग। और सर क्या कहेंगे जिस तरह से पहले तो मैं संतोष अन्ना का, हमारी जो भिवंडी सोशल वॉरियर्स और माजी सैनिक जो टीम है उनकी तरफ से संतोष अन्ना को मतलब शुक्रगुजार करता हूँ। और जो उन्होंने हमारे लिए जो इस बिल्डिंग में जो फ्लोर दिया है, उन्होंने हमने पहले ही वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्लोर का इंतजाम करूंगा, वहाँ पर हम लोग जो बच्चों को लाइब्रेरीज होती है सोल्जर बनने के लिए, जैसे पुलिस में हो गया, बीएसएफ में हो गया, जो भी बेल्ट डिपार्टमेंट में, उसमें जाने के लिए हम लोग निःशुल्क जो भिवंडी सोशल वॉरियर्स यहाँ पर चलाते हैं वहाँ पर उनको है हमारे पास सब कुछ देने के लिए, लेकिन क्या एक जगह नहीं थी, जो प्लेटफॉर्म नहीं था, वो हमको संतोष अन्ना ने प्रोवाइड करके दिया है, तो इसके लिए हम संतोष अन्ना का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।